प्यासा कौवा। गर्मियों का मौसम था, सारा दिन तेज धूप निकलती, सूरज तो जैसे आग बरसा रहा था। परिंदे, इंसान, जानवर सब परेशान थे। ऊपर से दूर दूर तक बारिश का नामो निशान नहीं था, पानी की बूंद बूंद को तरस गए थे। बड़े मियाँ आराम आराम से चलते चलते नलके के पास आए। अरे ये क्या भाई, यहाँ पे तो पानी की एक बूंद नहीं है। परेशान होकर अंदर चले गए। दूर जंगल में एक कौवा रहता था, उसको भी प्यास ने सताया। बेचारा पूरे जंगल में एक जगह से दूसरी जगह फिरता रहा, लेकिन कहीं पानी ना मिला। आखिरकार उड़ता उड़ता एक गांव के पास पहुंचा। वहां उसको एक घड़ा नजर आया। घड़े को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जल्दी जल्दी उड़ता घड़े के पास आया, लेकिन ये क्या, जब घड़े के अंदर झांका तो पानी बहुत कम था। अरे भाई, पानी तक कैसे पहुंचूं, बेचारा परेशान हो गया। थोड़ी देर बैठा सोचता रहा। दरख्त के नीचे उसे छोटे छोटे से कंकर नजर आए। उसे एक तरकीब सूझी। वो कंकर उठा उठा के घड़े के अंदर डालता रहा। पहला कंकर, दूसरा कंकर, तीसरा कंकर, इस तरह वो कंकर घड़े के अंदर डालता रहा और पानी ऊपर आ गया। कौवे ने जब देखा, ठंडा ठंडा पानी पिया, उसे बहुत खुशी हुई और फिर वो फुर से उड़ गया।